सो यू गाइस वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज है महाशिवरात्रि, तो हर हर महादेव। और आज का व्लॉग वैसे घर पे, पर हो सकता है कि हम अजमेर जाएं या फिर कहीं जाएं, तो मज़ा आने वाला है। देखो दिल से महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखोगे जब तक, हो सकता है कि महाशिवरात्रि निकल गए, लेकिन महादेव हमारे दिल में है तो हम उन्हें कभी भी याद कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो वैसे महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? ये माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती का और भगवान शिव का विवाह हुआ था। और ये भी माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इस दिन जो है भगवान ने करोड़ों सूर्य के समान एक ज्योतिर्लिंग में उनका रूप प्रकट हुआ था, तो तब से हर साल शिवरात्रि मनाई जाने लगी है। तो ये कुछ सीन है। सो अभी मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो मेरे पास आरजे नितिन का एक मैसेज आया था कि भाई एक महादेव के लिए एक सॉन्ग आप गा दो, तो उसको हम हमारे रेडियो पे चलाएंगे। तो वो सॉन्ग आने वाला है रात को 8 से 9 के बीच। तो अगर आज मैं अपलोड कर देता हूँ तो, और आप देख लेते हैं, तो रात को 8 से 9 के बीच में जाके 90 कौन सा FM था इसको मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आपको। तो 106.4 FM तड़का अजमेर, तो अगर आप अजमेर से ज़रूर सुन लेना। तो हमारा नहाना धोना हो चुका और ये एक टी शर्ट मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत कम कपड़े लेके आया हूँ, तो इसी टी शर्ट के अंदर वीडियो बनानी पड़ेगी लोग को। शोर तो फैल गया। आज मैं भी व्रत करता लेकिन सीन ही हो गया था कि 12:30 बजे भूख लगी और मैंने जाके खाना खा लिया। नींद भी नहीं आ रही थी इसलिए खाना खाना जरूरी था। फिर मेरे को सुबह याद आया कि अपन व्रत कर ही नहीं सकते। हर शिवरात्रि करता हूँ किसी, व्रत एक भी मिस नहीं हुआ अभी तक। तो इसको लेना जल्दी है। किसको? इसको क्यों शर्म आती थी? हाँ किसी और को यहाँ पे शर्म आ रही है, मैं ट्राईपोड यूज कर रहा हूँ। तो किशोर कह रहा है कि ट्राईपोड यूज मत करो। नहीं करते, ट्राईपोड रख देते अपन, ट्राईपोड यहाँ रखते हैं और हम चलते हैं। किशोर ने आज व्रत किया है तो पूजा वूजा करके आते हैं महादेव की। हर हर महादेव। तो वैसे अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ये फाइनल पूजा नहीं है, सुबह मनाने के लिए जाते हैं और उसके बाद जब व्रत खोलते हैं तब असली पूजा होती है, तभी होती है ना। मैंने घर पे तो कर लिया, अब दूसरा है यहाँ पे मंदिर भी जाना चाहिए, तो मंदिर जा रहे हैं। फिर छोटा सा मंदिर, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं भैया जी। बना रहे हैं पूजा कंप्लीट हो चुकी है भाई, मैं यहाँ से निकल रहे हैं। मैं बन क्या बोलता हूँ मैं यार, शोर क्या मांगा तुम्हें? ऐसे ही व्रत करा। मांगना अगर शिद्दत में होता तो हर पुजारी अमीर होता। मांगना अगर शिद्दत में होता तो हर पुजारी अमीर होता। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। तीन होता ट्रैक्टर तो दिख ही जाता भाई, दिख रहे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बर्थडे मनाया था तो उसमें कितने केक काटे थे? देखते हैं आप, हो गया था 3 केक काटे थे। तो दीपू भैया का जन्मदिन था कल, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया था। वो कौन लेके आया किशोर? मैंने 4 काटे थे, 4 के। तुम आज भी चले गए थे ना? 4 वहाँ मुझे नहीं बुलाया। 5 हो गए, 5 केक, मतलब पूरा पेट तो केक खा के भर दिया होगा। क्यों नहीं बुलाई पर आज नहीं, आज शिवरात्रि इसलिए इस बच्चे को नहीं बुलाई। तो जैसा कल मैं आपको बताया था कि हम पुष्कर भी जा सकते हैं, लेकिन पुष्कर नहीं जाएंगे हम। भाई जी और जी जो अभी पुष्कर ही हैं, वो हरिद्वार से पुष्कर गए थे और अब भाई जी आएंगे और फिर हम, या तो हम खरवा निकले, खरवा हम निकल नहीं सकते क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि कल मुझे कॉलेज भी जाना, तो अगर खरवा गए तो कॉलेज जाने में दिक्कत होगी। सो अभी बज रहे हैं 2, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है और भाई जी भी आ चुके हैं। तो भाई जी पुष्कर से आ चुके हैं और दीदी भी आ चुके हैं, तो भाई जी से मिलवाते हैं आपको, उसके बाद देखते हैं भाई जी कहाँ जाते हैं। जो मीठी कह रही भाई जी, राम राम। राम राम।
कट लग गया। सो गाइस भाई जी और जी जी जो है हरिद्वार से आ गए हैं और अभी मैंने चाय बनाई है और किशोर जो है भानु और लक्कू के जो खिलौना लाए उनको टेस्ट करके देख रहे हैं कैसे क्या है हरिद्वार से, तो देखते हैं। उड़ा जी सो कल शाम का ही खाता है, सुबह खाता है, चलेगा जी मतलब ही नहीं लगे धनवान आवे मैंने मना गुड क्वालिटी नहीं है ना सर। फोटो बात हो गया नहीं क्या किस वक्त है डॉक्टर थोड़ा के लिख में और ये 3 2 1 उड़ गया उड़ गया उड़ गया ओ पूरा बिखर गया ये तो थोड़ा खा जा दे सभी नहीं सभी उड़ ही जाओ पूरा बिखर गए और ये उसके हाथ में जाते एक दिन में टूट जाएगा, एक दिन में टूट जाएगा ये। और वो कार कट गई जी कार स्पाइडरमैन वाली कार तो आई जा रही टूट गई स्पाइडरमैन एक तो यही रह गया। तो ये जा रहे हैं विजयनगर तो अभी 3:30 हो रही है, 5:30 तक हमें रंजीत के रूम पे पहुंचना है वापस से। एक रात आज की रात जो है रंजीत के रूम पे रुकेंगे, अब सुबह कॉलेज जाएंगे। तो अभी चलते हैं माँ को पूरा बाय बाय। तो ये टैक्सी से हम पहुंच चुके हैं अभी अजमेर, रिपोर्टिंग फ्रॉम मार्टन ब्रिज अजमेर। हाँ बहुत ही लंबा चलना पड़ता है यार, चलो मार्टन ब्रिज ये है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ को पूरा। तो गाइस राम रतन भैया और गाइस फाइनली वापस आ गए, ये यही मिल गया हमको घर पे ले जा रहे हैं। और अभी कैसा लग रहा आपको मेरे ब्लॉग में आगे, कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है। क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग रहा लगेगा ना, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इसमें क्या नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा यार, जबरदस्ती है क्या? बेटे मौज कर रहा है, डर जो यार ऐसा मत करो यार। राम रतन के फोन पे क्या नोटिफिकेशन आया है धड़ा धड़ छाछ में पानी और कुलदीप की हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया वाली मस्त वाली हेयर स्टाइल, इसके लंबे लंबे बाल जो है वो भी, और ये अपनी वीडियो देख रहा है। तो है कि मां का नाम क्या बता अंजित बता ध्यान यार मन ध्यान को ना इनका काम करूं बोला मैं दया है कि मैं पानी पी लूं तो उसको बंद करें। तो इस जगह से अपना पहला व्लॉग स्टार्ट हुआ था और अब 5वां व्लॉग शूट हो रही है। पत्ता गोभी की सब्जी पहले पत्ते काटे फिर तेल में फ्राई कर दे, अब इसको याद है तेल में कुछ भी डाला जीरा वीरा अब ऊपर से डाल रही है। अभी मंडी पत्ता गोभी की सब्जी, उसके बाद बनेगी खीर, फिर पाड़ी करेंगे पाड़ी पाड़ी। क्लिप सेट करता हूँ, रंजीत मेरे को काम बता रहा है कि वीडियो एडिट करना, मेरे को बैठ के वीडियो एडिट करते हैं। और इसका फ्री फायर अभी भी नहीं चला सही है। अरे नहीं पानी, अरे इसको छोटे करेगा ना तो इसमें अच्छी लगेगी, तो सब्जी क्या रामू भी कटिंग वापस होगी दोबारा दोबारा मेहनत करते हो, कैसे लग रहा है रामू भैया? तेरे को बहुत कम लोग पहचानते हो। ओ भाई क्या, ओ भाई मारो इतने डरते डरते कैसे खेलता था? अरे वाह बेटी क्या बात है, चल देना रोटी बना रहा है, एक जन रोटी सेक रहा है और खीर हमारी तैयार हो चुकी है।
गाइस, बहुत ही टेस्टी खीर हमारी बन चुकी है और रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। और खाना खाते रहते हम देखेंगे अल्लू अर्जुन की मूवी। तो गाइस ये मैं हूँ, ये हमारे दोस्त है और हमारे यहाँ पे पारी हो रही है, कंट्रोल नहीं हुआ यार ये। कहाँ से आते हैं? मूवी में अब क्लाइमेक्स आया। सो गाइस अब फाइनली हम जा रहे हैं घूमने के लिए खाना खा के। Hey guys, हम रात को घूमने निकल गए खाना खा के, शाम के वक्त में 8 बजने वाले हैं और उजाले। हाँ, बिना उजाले। सो आप देख रहे हैं नाइट के नज़ारे। तो ऐसे थोड़ा इग्नोर करना, लाइटिंग थोड़ी लो है यहाँ पे। सो जैसे रामू भी है पीछे लगे हुए हैं फोन पे इस तरह किसको कमेंट कर रहा है। अजमेर ये देख, जूम करके दिखा। तो ऐसे माकोपुरा की सड़कों पर घूम रहे हैं हम और अभी 8 बजने वाले हैं और मेरा रेडियो के ऊपर मेरा सॉन्ग बनने वाला है। तो भाई रमू भैया चला देना आज से। मेरी ताकत थी, गाना नहीं गाऊंगा वरना कॉपीराइट हो जाएगा। कुछ गुनगुना भी दो ना, कॉपीराइट आ जाता है। सही भी है यार, आज सुन लो भोलेनाथ का गाना सुन रहा था। नमो नमो शंकर भाई कॉपीराइट भोलेनाथ शंकर नहीं, 10 सेकंड तक गा सकते। गाइस एफएम पे मेरा गाना बनने वाला है और हम ईयरफोन लाना भूल गए तो अब चला ही नहीं पा रहे हैं। तो रामू भी यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना ईयरफोन के भी हम एफएम चला सकते हैं क्या, वरना अभी घर पे जाना तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए ट्राई करते हैं कुछ। यहाँ से खरीद भी नहीं सकते अपन। अभी हमने फैसला किया कि वापस जाएंगे हम घर पे, क्योंकि ईयरफोन हम लाए नहीं है और ईयरफोन के बिना हम सुन ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम घर पे जा रहे हैं वापस सुनने के लिए। गाइस अभी मैंने लिए पिपिस, तो रामू भैया ने ऑनलाइन पेमेंट किया था, वो प्रोसेसिंग में अटक गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। फिर हमने कैश दिया और एपी पीस लिए 3, जो कि रंजीत का घूसा ली बना पेंट में डाल ली। सॉरी पेंट की जेब में, पेंट की जेब में, घर पे जाके पी गया। सो यहाँ पे एफएम चल रहा है, देख चला ना, चला देख फोटो आ रही है, एफएम चला आवाज फुल कर। घर पे पहुँच के पता नहीं या तो गाना निकल चुका है या फिर अब आएगा, कुछ कह नहीं सकते। शॉपिंग के लिए आती है तो कब से हम बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारे सॉन्ग का और मुझे लगता आ जाएगा। 2000 रुपए आ रहे हैं ना, हाँ और 2000 आवाज करना एक बार, 2000 रुपए रिचार्ज के लिए आ रहे हैं पर वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, अलग अलग। फर्स्ट किस्त तो अकाउंट में आती है सेकंड रिचार्ज के लिए और थर्ड वो इसके लिए। सो कब से इंतजार कर रहे हैं और अब आ गया, शायद आ गया, शायद आ गया, देख देख आवाज फुल कर। जो मेरी आखिरी मुलाकात है, इमासूबी ब्रेक लगा वाली बात है, 106.4 FM तड़का आप सुन रहे हैं। नाम है मेरा नितिन और शो चल रहा था अजमेर लोकल। अभी टाटा बाय बाय बोल रहा हूँ मेरी इस आखिरी मुलाकात से। ग्रुप hey guys, मेरा सॉन्ग आया ही नहीं था या फिर आया होगा तो मैंने मिस कर दिया। मैंने देखा ही नहीं, मतलब हम देख रहे थे 8:25 पे, तब हमारा सॉन्ग शायद निकल गया होगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग मंगवा लूंगा। वैसे रिकॉर्डिंग में इतना मजा नहीं था जितना लाइव चलने में आया था। तो ये बंदा काफी देर से बड़ा बड़ा फोन चला रहा है। नहीं नहीं काम ही कर रहा हूँ यार। बता 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 अभी बता। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो, वैसे तो कुछ खास नहीं था लेकिन पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर देना जो आपकी इच्छा हो।